भाजपा कोर कमेटी की आज शाम 4 बजे बैठक है। उपचुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद शामिल नहीं होंगे, वो अभी गुजरात के दौरे पर हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो आज एक अहम बैठक होने जा रही है भाजपा कोर कमेटी की। उपचुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक है और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में रहेंगे। हालांकि डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे क्योंकि वो इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में नहीं होंगे। भाजपा कोर कमेटी की आज शाम 4 बजे बैठक है। उपचुनाव को लेकर भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे और बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे इस वक्त गुजरात दौरे पर चल रहे हैं। उपचुनाव को लेकर ये बैठक होने जा रही है। रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन कर रही है। इस सम्मेलन के जरिए रामपुर के अल्पसंख्यकों को बताया जाएगा कि भाजपा की सरकार ने उनके लिए क्या काम किया है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित अन्य नेता शामिल हो रहे हैं। तो ये बैठक हो रही है अल्पसंख्यक मोर्चे की। पसमानदा जो मुस्लिम है उनको ये बताने की कि किस तरीके से सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए प्रदेश में काम किया है। तो रामपुर में ये बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि जो रामपुर में उपचुनाव है उसके मद्देनजर भी ये बैठक अहम है और भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। रामपुर में भाजपा अल्पसंख्यक का पसमानदा सम्मेलन हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी शामिल हुए हैं जिन्होंने केंद्र और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा अल्पसंख्यक समाज सम्मेलन में कुछ अल्पसंख्यक समाज से लोग आए हुए हैं जो लाभार्थी हैं योजनाओं के। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? 30 बिलारी विधानसभा से आए हैं। ये बताइए सरकार की किसी योजना का कोई लाभ आपको मिला है? उस्मान भारती का लाभ मिला है, फ्री राशन का लाभ मिला है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लाभ मिल रहा है इस सरकार में। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं तो जिला मुरादाबाद से आया हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद शाकिर। जो पसमानदा सम्मेलन में आए हैं तो क्या पसमानदा समाज से ही हैं आप? जी हाँ। किस समाज से? समाज से, मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज से। किसी योजना का लाभ मिला आपको अभी तक? आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड जी। आप बताइए आपको किसी योजना का कोई लाभ मिला है? हाँ, बहुत सारे वो मिले हैं जैसे आयुष्मान कार्ड है, आवास है, फ्री राशन है। आपको खुद कुछ मिला? जी, फ्री राशन मिला है, आवास जी। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं जिला मुरादाबाद से हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का। अच्छा, आपको भी कोई किसी योजना का लाभ मिला? नहीं, मेरे जरिए बहुत जो लाभार्थी हैं उन्हें बिलाई विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 500 से लेके गया लोगों को मैंने लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया, जैसे आयुष्मान कार्ड है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर। आप बताइए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रिजवान, 30 बिलारी विधानसभा ग्राम थामला से। रिजवान भाई, ये बताइए क्या केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की किसी योजना का लाभ मिला आपको और क्या मिला? किसान निधि मिली है मुझे। अच्छा। हर 3 महीने में मेरे खाते में किस्त आती है और राशन कार्ड का गल्ला फ्री मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो पसमानदा समाज का जो सम्मेलन है ये दूसरा सम्मेलन है, इससे पहले लखनऊ में किया था अल्पसंख्यक भाजपा मोर्चे ने और ये अब रामपुर में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है, 5 दिसंबर को यहाँ पर मतदान होगा और उसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है पसमानदा समाज को भाजपा से जोड़ने की, उसमें उसको कितनी कामयाबी चुनावों में मिलती है। तो वैदुर रहमान, एबीपी गंगा, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।